आइए सजनों, जैसा कि आदेश हुआ है, पावन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सीताराम जी के स्वरूप में आप सभी विराजमान हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भक्ति रस से उत्प्रोत आप ये रचनाएं सुन रहे हैं। प्रयास रहेगा जिस प्रकार से एक भक्त के लिए भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम हो, इसी प्रकार का भाव आपके अंदर उत्पन्न कर दूं और इस भक्ति रस से कुछ ना कुछ सार निकले, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा कथा से। आइए ये कथा स्पष्ट रूप से समझा दूं। आज भगवान भोलेनाथ के अनंत ऐसे अखंड भक्त जिनका नाम कई बार भगवान भोलेनाथ अपने सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से लेते हैं, दशानन रावण। आज देखिए भगवान भोलेनाथ की घनघोर भक्ति करते हैं। साथियों, इतना बड़ा दानव होने के पश्चात जो हरि से लगन लगा सकता है, जो भगवान की भक्ति कर सकता है, लेकिन आप और हम तो एक निर्लज और तुच्छ से मानुष हैं। हमें किस बात की कमी है? हमें पल पल का समय हम क्या भगवान का गुणगान नहीं कर सकते हैं? वो दानव होने के पश्चात भगवान भोलेनाथ की अखंड भक्ति करता है, क्या होता है? हे भोलेनाथ, होशी पे जी तो मैं मनाऊं, चरणों में सर झुकाऊं, होगी दया तुम्हारी, वो विनती सुनो हमारी। हे भोलेनाथ, आज देखिए रावण भगवान भोलेनाथ की गणगौर भक्ति करते हुए क्या कहते हैं। होगी दया तुम्हारी, बिगड़ी बने की मेरी, भगवान भोलेनाथ की गणगौर भक्ति करने के पश्चात भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होते हैं। आज देखिए वो रावण अपने मस्तिष्क को काटना प्रारंभ कर देता है। एक भगवान के लिए स्वयं का ऐसा कैसा प्रेम है, ये कैसी लालसा है भगवान भोलेनाथ का दर्श पाने के लिए। वो लंकेश रावण
वो दानव रावण अपने सिर को काटने लगता है और हवन कुंड में चढ़ाने लगता है। भोलेनाथ, जब तक आपका दर्शन नहीं होगा मैं बार बार अपने शीश को अर्पण करता रहूंगा। कभी ना कभी तो भगवान के दर्शन होंगे। क्या होता है नहीं उसको खुद का होश होश, ओ भक्ति में हुआ मद होश होश, कहा भक्ति में डूबा भक्त भक्त भक्ति में डूबा भक्त पानी सा पानी सा। इतनी गुनगुन भक्ति करता है ना स्वयं का होश रहता है, नहीं उसको खुद का होश होश नहीं। भक्ति में शिव का जोश जोश, भक्ति में शिव का जोश जोश, मत होश हुआ भक्ति में शिव का जोश जोश, मत होश हुआ हर भक्त भक्त। भक्ति में डूबा भक्त भक्त भक्ति में डूबा भक्त। और आज जब वो शिव शंकर 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 जब वो शिव शंकर ये भोले जी का मंत्र काटे वो हवन कुंड में डाले, जैसा मांगा है बढ़ते हुए क्रम में कथा को अंजाम दे रहा है। शीश अपना काटे वो हवन कुंड में डाले, अरे तप शिव, अरे तप शिव नाम किया, ओ शिव जी तप शिव नाम किया, ओ शिव जी। और आज एक दो के चार शीश वो चढ़ाता है, एक दो के चार शीश वो चढ़ाता है, दस वासी वो जब भी जब चढ़ाने जाता है,
सिर्फ नाम किया। और आज भगवान भोलेनाथ को जैसे ही दसवा शीश चलाने के लिए जाता है, डमरू वाले सामने आकर के प्रकट हो जाते हैं। क्या होता है? पांच मिनट समय से हे भोलेनाथ, आपकी माया का कोई पार नहीं पाया जा सकता है। आज देखिए रावण कह रहे हैं, तेरी भक्ति का, तेरी शक्ति का मैं जाप करने लगा हूं। हे बरदानी ओ गड़दानी, जाने लगाने लगा हूं। होटम मेरो बाले डमरू बाले तरस दिखा, तुम आओ मैं बुलाता हूँ डमरू वाले। हाँ भोलेनाथ, तेरी भक्ति का, तेरी शक्ति का जाप करने लगाओ। और आज देखिए अंत में, अरे दे तीना वरदान हंसते हंसते। आज भगवान भोलेनाथ इतने गणगौर भक्ति देने के पश्चात अपने भक्तों से प्रेम जरूर करते, लेकिन भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से भक्ति की परीक्षा लेने के लिए जैसी दसवा शीश चढ़ाया, भगवान भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो जाते हैं और कहा, तुम क्या मांगना चाहते हो? क्या होता है? अरे दे तीना वरदान हंसते हंसते, प्रकट हुए भगवान हंसते हंसते। दे तीना वरदान हंसते हंसते, प्रकट हुए भगवान हंसते हंसते। वो ते दीना वरदान हंसते हंसते, भक्ति को देख कर खुशी से भरे, दे दीना वरदान हंसते हंसते।
हाँ भोलेनाथ। मंडल का समय समाप्त। शंकर भगवान के जय।